दिल्ली में धुंध की परत छाई हुई है, शहर में समग्र वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में बचाव अभियान अभी भी जारी है, जहां 41 श्रमिक फंसे हुए हैं। सुरंग के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग जारी है और पाइप को धकेलने के लिए ऑगर मशीन का उपयोग किया जा रहा है। अब तक करीब 2 मीटर मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साह ने कल जनजातीय कल्याण के लिए उत्तर पूर्व सलाहकार AK मिश्रा के साथ मुलाकात की। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने उज्जैन में दीपदान किया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा कि पाकिस्तान में आज सुबह 3:38 पर रिक्टर पैमाने पर 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। इसके मद्देनजर राज्य विधानसभा के बाद सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर आधी रात को श्री अखंड पाठ साहिब का भोग और धार्मिक दीवान सजने के बाद गुरुद्वारा जन्म स्थान श्री ननकाना साहिब में करीब 2 की गई आतिशबाजी के अलौकिक दृश्य का गुरुद्वारा साहिब में मौजूद लोगों और ननकाना साहिब के निवासियों ने आनंद लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जुबली हिल्स में ऑटो चालकों, गिग श्रमिकों और स्वच्छता कर्मचारियों के साथ बातचीत की। वायु प्रदूषण पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कल हल्की बारिश और हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में सुधार आया है, परंतु ये स्थायी नहीं है। आने वाले दिनों में हवा की गति कम होने का अनुमान है, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। शादियों का समय चल रहा है, जिसके कारण रात के समय गाड़ियों की आवाजाही बहुत बढ़ गई है। उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन कर सिलक्यारा में सुरंग में फंसे श्रमिकों के राहत और बचाव कार्य के बारे में जानकारी ली।